हेलो दोस्तों, तो हम निकल पड़े हैं और हम जा रहे हैं जानकी सेतु और राम झूला की तरफ। जो भी नज़ारा हमें दिखेगा बढ़िया वो आपको दिखाते हुए चलेंगे। आज थोड़ा सा नाइट आउट कर रहे हैं तो आपको दिखाते हैं, जो बेस्ट भी है वो आपको दिखाते हैं। ओके, जंगल आने वाला है। ना कोई ना। सही है। और ये यहाँ का है फॉरेस्ट एरिया और यहाँ पर जानवर भी मिलते हैं। और ये कम से कम 3 किलोमीटर का और कम से कम 3 किलोमीटर का लंबा जंगल है ये रास्ता। और यहाँ पर मिलते हैं जानवर, 3 तो हम बैठे हुए हैं, बाकी और भी हैं। तुम दो जानवरों में। अच्छा तू, अच्छा इसीलिए जानवर नहीं है, जननी है ना। जननी माफ कर दे। और हम आ चुके हैं जंगल से बाहर और हम मेन रोड पे हैं इस वक्त, और बस थोड़ा ही दूर चल के हम पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल पे। तो आप देखते रहिए। तो हम पहुंच चुके हैं जानकी सेतु और आज है सैटरडे। तो भाई रश आप देखो कितना भयंकर है। ओ भाई बहुत ज्यादा रश है यहाँ पे इस टाइम। किसी ने कुछ खाना है भाई? आइसक्रीम उसक्रीम कहाँ गई है? ये ले, बोलती भी रही है कुछ। तो ये आइसक्रीम चसोड़ रहे हैं अभी हम एंट्री करते हुए। बहुत गर्मी हो रही है तो भाई, बहुत ज्यादा गर्म भी हो रहा है अभी, भीड़ बहुत ज्यादा है। आओ चलो, ये देख सकते हैं आप जानकी सेतु का पुल, और ये दो मेरे भाई आगे जाते हुए। और यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं कैसी हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है लिटरली सबको। यहाँ पे सरवाइव करने के लिए पानी की बोतल या कोई ठंडी चीज जरूर खानी चाहिए। आप भीड़ देख सकते हैं। सो गाइस, वी फाइनली हम पहुंच चुके हैं जानकी सेतु के पुल में। फाइनली हम एंटर हो चुके हैं और आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और हमें अभी उस तरफ जाना है। कहाँ से करो तो एक आइसक्रीम है। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे और आपको यहाँ का व्यू देखो क्या कैसे लग रहा है आपको। और ये पीछे से मुझे टीज करते हुए, ये देखिए आप इन दोनों को देख सकते हो यहाँ पे। अच्छा। और सामने और हमें यहाँ पे मिल गए सुदामा जी, तो ये हमारे आगे है। ये देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है। सामने वाले सुदामा जी और ये बाबा जी की जा रहे हैं। ये देखिए गाइस, चीज यहाँ पे जो बहुत गलत है, ये देखो लोगों ने कचरा फैलाया हुआ है। अब इन लोगों को कितना भी अवेयर कर लो इन्हें समझ आता नहीं है। मैं भी चल रहा हूँ लेके हाथ में, लेकिन यहाँ पे लोगों ने बिल्कुल गंदगी फैलाई है। ये देखो हर जगह पे, यहाँ के लिए भी कुछ स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए। ये देखिए हर जगह पे कूड़ा है, ये चीज बहुत गलत है। हो बाकी इंजॉय करते हैं, किसी को समझाने से कुछ तो होता नहीं है। और आप व्यू का मजा लो। देखो कितने बढ़िया बढ़िया इन्होंने यहाँ पे ड्राइंग्स की हुई हैं। ओहो मजा आ गया। गाइस ये आ चुके हैं हम परमात निकेतन में, और देखिए यहाँ का व्यू। यहाँ होती है गंगा आरती। देखिए गाइस यहाँ चल रहा है कीर्तन। ये सामने है की मूर्ति और ये सामने गंगा बैरी है। देखिए गाइस
यहाँ पाओगे तो यहाँ सब हर कोई ना कोई अपनी अपनी भक्ति में खोया रहेगा। ये है हमारे भैया और ये है हंस। ये यहाँ पे ले रहे हैं मजे। ये देखिए गाइस, अब कभी भी ऋषिकेश विजिट करो तो यहाँ जरूर आना। ऋषिकेश अगर आप यात्रा कर रहे हो तो यहाँ अगर आप नहीं आए तो आपका ऋषिकेश आना बेकार है। फाइनली गाइस, हम पहुँच चुके हैं राम झूला और ये जा रहे हैं भैया और आंचल, और अब दिखाते हैं आपको यहाँ सब एंट्रेंस में उनको भी जगह मिल सके। और भीड़ देखिए गाइस, और जो ये ब्रिज है ये काफी बाउंस होता है। तुम तो बेइज्जती कर रहे हो यार, तेज बोलना। सो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा व्यू लग रहा है। मनीष, तुम सुन सकते हो हम कितनी ऊंची बोल रहे हैं। ठंडी हवा चल रही है, निकल पा रहा है। अरे भाई साहब देखिए क्या हो गया है वहाँ पे, सब अटक है। ओह माय गॉड गाइस, आप यहाँ पे व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मेरे दो भाई जाते हुए, राजी पता नहीं क्यों आज जाम से लगा हुआ है। और यहाँ पे इतनी शांति, इतना पीस है यहाँ पे। और नीचे का व्यू देखिए आप, अभी बोल नहीं थे, कुछ भी बोलो तुम, मुझे वो मत करो। मतलब भाई ठंडी हवा चल रही है ना, जो मस्त वाली। यहाँ पे लग गया है जाम किसी वजह से। अब हम निकल चुके हैं वहाँ से, थोड़ा सा वहाँ पे भीड़ थी हमने दिखाया था आपको, तो अभी हम निकल रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ। तो वहाँ से देखते हैं कुछ खाते हैं या पैक करते हैं, और उसके बाद हम निकलेंगे वहाँ से घर। तो ओवरऑल वीडियो में ये सब था, प्रॉपर आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि किसी वजह से वो सारा कुछ बंद हो रखा था। कोई दिक्कत नहीं है, जितनी भी आपको वीडियो आपने देखी आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गुड नाइट, शब्बा खैर, मजे करें, मस्त रहें।